देन परफेक्शन परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो एवरी आर्टिस्ट बिकम्स मोर एंड मोर प्रोफिशिएंट थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस. ठीक है. सो सिमिलरली मैनेजर्स लर्न थ्रू एन आर्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर इनिशियली. राइट, ट्राई करता रहता है, उसमें एरर आते जाता है, ऐसे ही ट्राई करते करते हुए लास्ट में इम्प्रूवमेंट होती है. राइट, सो इनिशियली सॉरी बट एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ओवर द ईयर्स मेक्स देम परफेक्ट इन द जॉब ऑफ मैनेजिंग. राइट, सो एक्सपीरियंस ही वहां पे मैटर करता है. जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लोगे, ठीक है, सीखते जाओगे, ठीक है, तो उसी तरह हम देखते हैं कि आप जो भी जॉब है, ठीक है, किस तरह से मैनेज कर पाओगे, तो उसके ऊपर ही डिपेंड रहेगा. गोल ओरिएंटेड, एवरी आर्ट इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड एज इट सीक्स टू अचीव कॉन्क्रीट रिजल्ट्स इन द सेम मैनर. मैनेजमेंट इज ऑल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स. मैनेजर्स use various resources like men, money, material, machinery and methods to promote growth of an organization. So thus we can say the management is an art, therefore it requires an application of certain principles. Rather, it is an art of highest order because it deals with modeling the attitude and behavior of people at work towards desired goal. Right? एंड अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट एज बोथ साइंस एंड आर्ट. साइंस हमने देख लिया, आर्ट हमने देख लिया. राइट, सो मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस. सो दी जो भी हमने अभी पॉइंट्स देखे, क्रिएटिविटी, राइट, जो भी स्किल्स है उसको यूज करना, परफेक्शन जो है, या फिर गोल ओरिएंटेड रहना, ये जो फीचर्स है, ठीक है, सो यहाँ पे भी साइंस एंड आर्ट जो मैनेजमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जनरली जो भी पॉइंट्स हमने देखे, ठीक है, सो जनरली जो भी मैनेजमेंट होगा उसमें जो भी फीचर्स है बोथ साइंस एंड आर्ट्स के, ठीक है, वो वहां पे कंबाइन होंगे. राइट, सो ऐसे हम कह सकते कि इट इज कंसिडर्ड एज अ साइंस बिकॉज इट हैज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी. राइट, इट हैज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. राइट, सो विच कंटेन्स द यूनिवर्सल ट्रूथ. राइट, सर्टन यूनिवर्सल ट्रूथ. So it is called an art because managing requires certain skills which are personal, professional of managers. So science provides the knowledge and art deals with the application of knowledge and skills, right? So तो यानी हम combination हम कह सकते हैं कि management जो है science and art का combination है, जहाँ पे science जो है वो हमको knowledge provide करता है और art जो है knowledge और उसके साथ skills जो है वो प्रोवाइड, यानी एप्लीकेशन जो है नॉलेज का और स्किल्स उसको प्रोवाइड करता है. राइट, सो जो भी मैनेजर है, ठीक है, तो वो सक्सेसफुल कब रहेगा उसके प्रोफेशन में, ठीक है, जब वो जो है साइंस जो है उसको, या फिर नॉलेज जो है साइंस का वो एक्वायर करेगा, ठीक है, और जो नॉलेज उसको मिल गया है साइंस के थ्रू, राइट, तो वो आर्ट के थ्रू जो है वो अप्लाई करेगा. राइट, सो देयरफॉर मैनेजमेंट जो है, ठीक है, एक जुडिशियस ब्लेंड हम उसको कहेंगे. ठीक है, सो क्योंकि हम यानी क्यों उसको कहा जाता है कि एक जुडिशियस ब्लेंड, ठीक है, ताकि जनरली हम देखते हैं कि जो भी प्रिंसिपल्स होंगे, ठीक है, उसको प्रूव करता है. राइट, जो भी आर्ट है और साइंस जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हम बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल्स है उसको प्रूव जनरली ये करता है. सो हम देखते हैं कि जो साइंस होता है, ठीक है, तो वो जनरली हमको टीच करता है कि यानी किस तरह से हम जान सकते हैं, और आर्ट जो है होता है हम वो बताता है कि किस तरह से हम उसका अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से चीजें को जानना, समझना, ठीक है, और उसको किस तरह से अप्लाई करना, ठीक है, तो ये जनरली एक कॉम्बिनेशन साइंस एंड आर्ट का हम मैनेजमेंट में देखते हैं. राइट, सो मैनेजमेंट इज अ बोथ साइंस एंड आर्ट. सो अगर एग्जाम्पल भी देखे कि जो साइंस है या फिर जो नॉलेज है या आर्ट है, राइट, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे बिस्किट एंड टी है. राइट, यानी बिस्किट के साथ हमेशा टी ही जाएगा. ठीक है, यानी नॉलेज हम कह सकते हैं कि वहां पे हम डिप कर, यानी जो डीपिंग प्रोसेस है, राइट,
वो हमको बताएगी, हमको वो नॉलेज है कि नहीं चाय में बिस्किट ही डुबो के खा सकते हैं, राइट, या फिर ब्रेड ही डुबो के खा सकते हैं, पर टी एंड बिस्किट ये कॉम्बिनेशन जो है हम कह सकते, उसके बीच का पीछे का साइंस जो है, उसी तरह वो ब्रेड का या फिर बिस्किट का स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाता है कि हम भले ही वहां पे डिप करें कि पहले ही स्ट्रोक में वो नीचे ना चला जाए, राइट। तो वही है कि या फिर ब्रेड बटर का अगर यूज करें, कि ब्रेड पे बटर ही लगाया जाता है, ठीक है, और कॉमनली वही होता है। तो यानी हम ऐसा कह सकते हैं इसको कि कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को जो करते हैं, ठीक है, यानी म्यूचुअली जो एक्सक्लूसिव पर एक्सक्लूसिव होते हैं, पर फिर भी वो कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, राइट। तो उसको हम एक साइंस और आर्ट की तरीके से हम देख सकते हैं, राइट। सो एक पुरानी जो कहावत है, ठीक है, कि जो मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर को एक कहा जाता था कि जो मैनेजर है, ठीक है, वो जन्मजात होता है, राइट, यानी मैनेजर्स आर बॉर्न, ठीक है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं कि वो पहले से ही सेल्फ मेड हम कह सकते हैं, ठीक है, पर्सन जो है वो सेल्फ मेड होता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है, सिचुएशन आती है, उसको हैंडल करने का एक तरीका जो है, ठीक है, पर्सन को मिल जाता है, राइट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो साइंस है वो रूट है, ठीक है, और जो आर्ट है वो फ्रूट है, राइट। नॉलेज रहेगा तो ही हम जो है स्किलफुली उसको यूज कर सकते हैं, राइट। अगर रूट है तो उसमें से ही हमको फल मिलेगा, राइट। तो उस तरह से उसके बाद मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, राइट। सो हम देखते हैं कि बहुत ओवर लास्ट फ्यू डिकेड्स, राइट, सो सच एज जो भी फैक्टर्स है, जो ग्रोइंग साइज ऑफ बिजनेस है, राइट, या फिर बिजनेस यूनिट जो हम बोलेंगे, ठीक है, या फिर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ फ्रॉम मैनेजमेंट, राइट, ग्रोइंग कॉम्पिटिशन, राइट, सो दीज आर दी फैक्टर्स, राइट। सो जनरली हम देखते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, इनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है प्रोफेशनली हम करें अगर कहे तो, ठीक है। सो जो टास्क होता है मैनेजर का, ठीक है, तो वो बहुत स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट्स, द मैनेजमेंट हैज रीच्ड अ स्टेज वेयर एवरीथिंग इज टू बी मैनेज्ड प्रोफेशनली। सो अ प्रोफेशन मे बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड इंटेंसिव एकेडमिक प्रिपरेशन टू विच एंट्री इज रेगुलेटेड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। सो द एसेंशियल्स ऑफ अ प्रोफेशन आर फर्स्ट स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सोशल ऑब्लिगेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन। सो यहाँ पे जो फर्स्ट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है, सो वहां पे हम देखते हैं कि जो भी प्रोफेशन रहेगा, राइट, तो वहां पे एक सिस्टमेटिक जो नॉलेज है, ठीक है, तो वो वहां पे होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर ऐसा नॉलेज अगर किसी प्रोफेशनल के पास होगा, राइट, सो वहां पे हम देखते हैं कि वो जो भी प्रोफेशन है, प्रोफेशनल्स है, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, राइट। सो यानी प्रोफेशन हम कह सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक बॉडी होती है, राइट, कि जिस तरह जिसकी वजह से जो हम देखते हैं कि जो भी नॉलेज रहेगा, जैसे जैसे पर्सन जो है वो नॉलेज के थ्रू नॉलेज गेन करता जाएगा, राइट, उस तरह से ही प्रोफेशनल्स जो होंगे उनकी डेवलपमेंट होगी। सो वी कैन से अ प्रोफेशन मस्ट हैव अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, राइट। सो एवरी प्रोफेशनल मस्ट मेक डेलिबरेट एफर्ट्स टू एक्वायर एक्सपर्टाइज इन प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। सो सिमिलरली अ मैनेजर मस्ट हैव डिवोशन एंड इन्वॉल्वमेंट टू एक्वायर एक्सपर्टाइज इन द साइंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। सो जो मैनेजर जो है, ठीक है, तो उसकी पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट और डेडिकेशन वहां पे होना चाहिए, राइट, डिवोशन वहां पे होना चाहिए, ताकि जो साइंस है मैनेजमेंट का, ठीक है, उसमें वो एक्सपर्टाइज हो सके, एक्सपर्ट बन सके, उसको हैंडल करने के लिए जो भी चीजें हैंडल करे, ठीक है, तो वो बहुत एफर्टलेसली होना चाहिए, राइट। देन सेकंड, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सो देयर आर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज टू इम्पार्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशन, ठीक
नो वन कैन प्रैक्टिस अ प्रोफेशन विदाउट गोइंग थ्रू अ प्रिस्क्राइब्ड कोर्स. मेनी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन सेट अप फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. फॉर एग्जाम्पल, अ सीए cannot audit the accounts unless he has acquired a degree or diploma for the same, right? So CA जो है, ठीक है, तो वो जो है account जो है उसका audit नहीं कर सकता जब तक उसके पास degree या फिर diploma नहीं रहता, ठीक है, और उससे related, right? CA से related या फिर जो chartered accountant का उसके पास अगर diploma नहीं रहता, ठीक है, so तब तक वो सीए नहीं कहलाता और वो फिर बाकी के उससे रिलेटेड जो है कुछ काम भी नहीं कर सकता. नहीं, एक अथॉरिटी वहां पे आपको मिल जाती है सीए होने के कारण. उसका अगर डिप्लोमा रहा, डिग्री रही, तो एक जो है हैंडल करने की जो है आपको बस अथॉरिटी मिल जाती है. नहीं, सो फॉर एग्जाम्पल, अ सीए कैनॉट ऑडिट द अकाउंट्स अनलेस ही हैज एक्वायर्ड अ डिग्री और डिप्लोमा फॉर द सेम. But no minimum qualifications and course of study has been prescribed for managers by law. For example, MBA may be preferred but not necessary, right? So, social obligations. Profession is a source of livelihood, but professionals are primarily motivated by the desire to serve the society. So, their actions are influenced by social norms and values. Similarly, a manager is responsible not only to its owners but also to the society, and therefore he is expected to provide quality goods at reasonable prices to the society. Right? Code of conduct. So members of a profession have to be abide by a code of conduct which contains certain rules and regulations. So norms of honesty, so integrity and special ethics also. A code of conduct is enforced by a representative association to ensure self-discipline among its members. Right? So जो code of conduct रहेगा, जो भी rules and regulations रहेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या represent करेंगे कि जो हम बोल सकते हैं कि वो ensure करेगा कि एक जो members है उनके बीच में जो है सेल्फ डिसिप्लिन है, ठीक है, यानी वो हम बोल सकते हैं कि जो भी सिस्टम चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, तो उस तरह का वो डिसिप्लिन जो है उनके इसमें है, तभी वो इफिशियंटली वर्क कर पाएंगे. एनी मेंबर वायोलेटिंग द कोड ऑफ कंडक्ट कैन बी पनिश्ड ऑन हिज मेंबरशिप कैन बी विड्रॉन. द आईमा हैज प्रिस्क्राइब्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मैनेजर्स but it has no right to take legal actions against any manager who violates it. Then representative association. For the regulation of profession, existence of a representative body is a must. For example, an Institute of Chartered Accountants of India establishes and administers standards of competence for the auditors for the IMA. However, it does not have any statutory powers to regulate the activities of managers, right? So, तो ये हमने जो features देखे, right? तो इससे हम बोल सकते हैं कि इससे clear है कि जो management है, ठीक है, उसके through कुछ ऐसे essential जो है profession जो है, ठीक है, वो fulfill किए जाते हैं, ठीक है, यानी वो भले ही फुल फ्लेज प्रोफेशन ना हो, ठीक है, इसका यानी क्या कारण हो सकता है, बिकॉज इट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द एंट्री इन मैनेजरियल जॉब्स फॉर अकाउंट ऑफ वन स्टैंडर्ड और अदर. नो मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर मैनेजर्स. नो मैनेजमेंट एसोसिएशन हैज द अथॉरिटी टू ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस टू वेरियस मैनेजर्स. ऑल मैनेजर्स आर सपोज टू अबाइड बाय द कोड फॉर्मुलेटेड बाय आईमा. Competent education and training facilities do not exist. Managers are responsible to many groups such as shareholders, employees, and society. A regulatory code may curtail their freedom. Managers are known by their performance and not mere degrees. The ultimate goal of business is to maximize profit and not social welfare. So that is why जो हाइमी है, ठीक है,
तो उनका रिमार्क था कि जो स्लोगन है मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, तो वो किस तरह का होना चाहिए, ही हु सर्व्स बेस्ट ऑल्सो प्रॉफिट्स मोस्ट, राइट। तो ये मैनेजर के लिए एक जो स्लोगन जो है हाइमेज जो है उन्होंने बनाया था। देन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। सो मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी कंसर्न्ड विद गाइडिंग ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेस सच दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अचीव्ड। नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैन बी हाइलाइटेड एज, सो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। द सक्सेस ऑफ एनी मैनेजमेंट एक्टिविटी इज असेस्ड बाय इट्स अचीवमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट इज पर्पसफुल एक्टिविटी, इट इज अ टूल विच हेल्प्स यूज ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेस टू फुलफिल द प्री डिटरमाइंड गोल्स। जैसे एग्जाम्पल करके, ठीक है, जैसे कुछ एंटरप्राइज होगा, ठीक है, उनका गोल रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर जो है उनको सेटिस्फेक्शन मिल सके। इस तरह से मिल सके सेटिस्फेक्शन की जो क्वालिटी है, ठीक है, गुड्स की वो अच्छी हो, ठीक है, और वो रिजनेबल प्राइस में भी मिले, ठीक है। तो यानी कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है, उनकी जो भी नीड्स है या फिर जो उनकी हम बोल सकते हैं कि कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए जो है जो फूड गुड है वो वहां पे प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, और क्वालिटी भी मेंटेन हो उसके और रिजनेबल प्राइस में भी मिल सके। सो ये जो हम बोल सकते अचीव करना है, ठीक है, तो ये किस तरह से अचीव कर सकते हैं फिर, ठीक है, जो भी पर्सन है उनको इफिशियंटली एम्प्लॉय करके, राइट, उनको एम्प्लॉयमेंट दे के, ठीक है, उस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भी रिसोर्सेस है उसका भी प्रॉपरली बेटर वे में यूज होगा, राइट, और जो जनरली जो गुड है उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और उसको रिजनेबल प्राइस में भी बनाने के लिए जो है योगदान देगा, राइट। सो मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स ह्यूमन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। सो मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स ह्यूमन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बींग्स वर्क विथ नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस लाइक मशीन्स, मटेरियल्स, फाइनेंशियल असेट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। सो मैनेजमेंट जनरली इंटीग्रेट्स ह्यूमन एफर्ट्स टू दोज रिसोर्सेस। इट ब्रिंग्स हार्मोनी अमॉन्ग द ह्यूमन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। The next feature of management is continuous. Management is continuous. So management is an ongoing process. It involves continuous handling of problems and issues. It is concerned with identifying the problems and taking appropriate steps to solve it. Example, the target of a company is maximum production. Right? So for achieving this target, various policies have to be framed, but this is not the end. Marketing and advertising is also to be done. For these policies have to be again framed. Hence, this is an ongoing process. So management should be management is continuous process, right? So management जो है वो ongoing process होती है, ठीक है, इसमें हम देखें कि जो भी problems है या फिर issues है उसको generally handle किया जाता है, नहीं? ये जो field है management की, नहीं? तो ये जनरली जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और उसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट स्टेप्स है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो वो वहां पे यूज करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि अगर कंपनी जो है, ठीक है, अगर उसका टारगेट है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज है, ठीक है, उसको फ्रेम्ड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक तो एंड नहीं होगा, ठीक है, मार्केटिंग भी है वो भी अच्छे से करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग है उसको भी अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है, और जो पॉलिसीज है, ठीक है, उसको फिर से जो है फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो प्रोसेस है, ठीक है, वो कंटिन्यूस रहे, ऑनगोइंग प्रोसेस वो रहे। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। So management is required to all types of organization.
whether it is political, social, cultural or business, because it helps and directs various efforts towards definite purpose. So thus clubs, hospitals, political parties, colleges, hospitals, business firms all require management. Whenever more than one person is engaged in working for a common goal, management is necessary. So whether it is a small business from which may be engaged in a trading or a large firm like Tata or Iron and Steel, management is required everywhere irrespective of size or type of activity, right? So management जो है छोटा हो या फिर बड़ा जो एरिया हो, right? या फिर हम बोल सकते हैं कि यूनिट हो, right? तो उसके लिए मैनेजमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट होती है. अगर उसको इम्प्रूव करना है, एस्टेब्लिशमेंट को अगर सक्सेसफुल बनाना है, right? तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है? चाहे वो साइज या फिर टाइप जो है एक्टिविटी का, ठीक है, तो वो कुछ भी रहे. So management is a group activity. Management is very much less concerned with individuals' efforts. It is more concerned with groups, right? यानी management यानी किस तरह से जो जैसे workers है वो किस तरह से एक साथ काम करते हैं, तभी management को हम जो है successful management जो है वो successful है वो हम बोल सकते हैं, ठीक है? Otherwise अगर communication अच्छे से नहीं रहा, राइट, जो जो लोग है अगर उनके जो वर्क है वो इफिशियंटली नहीं वो करेंगे, राइट, सो ऑर्गेनाइजेशन को वो एक हम बोल सकते सक्सेसफुल नहीं बना सकते. सो मैनेजमेंट इज अ वेरी मच लेस कंसर्न विद इंडिविजुअल्स एफर्ट्स. इट इज मोर कंसर्न विद ग्रुप्स. इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू अचीव predetermined goal of management of ABC and co-limited, cooperative limited, okay, is good for refers to a group of persons managing the enterprise. Okay. So these are the principles of management. Then levels of management. So there are three levels of management. सो जनरली जो भी लेवल्स है मैनेजमेंट के, ठीक है, वो एक लाइन ऑफ डिमार्केशन जो है, ठीक है, वेरियस जो मैनेजियल पोजीशंस है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उसको डिपिक्ट करता है, राइट. सो द नंबर्स ऑफ लेवल्स इन मैनेजमेंट इंक्रीजेस व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस एंड वर्क फोर्स इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. सो द लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइंस अ चेन ऑफ कमांड, the amount of authority and status enjoyed by any managerial position. The levels of management can be classified in three broad categories. First is top level, that is administration level. Second is middle level, that is executory. Low level, supervisory, operative first line managers. So managers at all these levels perform different functions. The role of management at all three levels is are various, right? So एक तो top जो है, ठीक है, तो अगर top level पे देखे तो executive, ठीक है, तो वहां पे executive coaching, ठीक है, change management, leadership, then delegations and empowerment, etc. ये चीजें आएंगी. Middle जो है, ठीक है, तो वहां पे problem solving, टीम बिल्डिंग, टैलेंट डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्सेट्रा. सो ये चीजें आएगी. और लो लेवल जो है, ठीक है, तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कोचिंग टू परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, कोचिंग फॉर परफॉर्मेंस एक्सेट्रा. सो ये तीन लेवल्स और उनकी जो हम बोल सकते हैं कि जो रोल है मैनेजर का, ठीक है, वो वहाँ किस टॉप लेवल में क्या हो सकता है, मिडिल लेवल में और लो लेवल में क्या हो सकता है. सो अगर टॉप लेवल की बात करें, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सो इट कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर्स. सो द टॉप मैनेजमेंट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी एंड इट मैनेज गोल्स एंड पॉलिसीज फॉर एन एंटरप्राइज. इट डिवोट्स मोर टाइम ऑन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस. The role of the top management can be summarized as follows.
फर्स्ट जो है सो टॉप मैनेजमेंट लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव्स एंड ब्रॉड पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइज. इट इश्यूज नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट बजट्स प्रोसीजर्स एंड स्केड्यूल्स एक्सेट्रा. थर्ड इट प्रिपेयर्स स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर एंटरप्राइज. फोर्थ इट अपॉइंट्स द एग्जीक्यूटिव फॉर मिडिल लेवल दैट इज डिपार्टमेंटल मैनेजर्स. इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड. इट प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड डिरेक्शन. एंड लास्ट द टॉप मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द शेयर होल्डर्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज. Then middle level of management, the branch manager and departmental managers constitute middle level. They are responsible to the top management for the functioning of their department. They devote more time to organizational directional functions. In small organization, there is only one layer of middle level management, but in big enterprises, there may be senior and junior middle level management. Their role can be emphasized as they execute the plan of organization in accordance with the policies and directives of the top management. Second, they make plans for the subject units of the organization. Third, they participate in employment and training of the low level management. Fourth, they interpret and explain policies for top level management to lower level. They are responsible for coordinating the activities within the division or department. It also sends important reports and other important data to top level management. Second last, they evaluate performance of junior manager. And last, they are also responsible for inspiring lower level managers towards better performance. राइट. सो देन जो है लास्ट जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट. सो लोअर लेवल इज ऑल्सो नोन एज अ सुपरवाइजरी ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स फोरमैन सेक्शन ऑफिसर सुपरिटेंडेंट एक्सेट्रा. अकॉर्डिंग टू आर सी डेविस सुपरवाइजरी मैनेजमेंट रेफर्स टू दोज एग्जीक्यूटिव्स हुज वर्क हैज टू बी लार्जली एंड पर्सनली ओवरवेट एंड डायरेक्शन ऑफ operative employees. In other words, so they are concerned with direction and controlling function of management. Their activities include assigning of jobs and tasks to various workers. They guide and instruct workers for day-to-day activities. They are responsible for the quality as well as quantity of production. They are also entrusted with the responsibility of maintaining good relation in the organization. They communicate workers problems, suggestions and recommendatory appeals to higher level, and higher level goals and objective to the workers. Sixth jo hai, they help to solve the grievances of the workers. They supervise and guide the subordinates. They are responsible for providing training to the workers. They are also arrange necessary materials, machines, tools, extra for getting the things done. They prepare periodical reports about the performance of workers. They ensure discipline in the enterprise. They motivate workers. And last, they are image builders for the enterprise because they are in the direct contact with the workers. Right, so these are the levels of management. Okay, low level, middle level, and upper level. There is ke baad. So uske baad hum jo hai kal dekhenge objectives of management. Right. So main objective जो है getting maximum results in minimum effort. ये first objective है management का. Then increasing the efficiency of factors of production, right?
मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयमेंट सॉरी एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज राइट देन उसके बाद ह्यूमन बेटरमेंट एंड सोशल जस्टिस. सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट राइट. तो इसको थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे कल ठीक है. उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है राइट. और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं हाँ लीगल पॉलिसीज है हाँ ओके. सो ये हम कल देखेंगे लीगल पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट ठीक है. तो यहाँ पे ही हम अभी स्टॉप कर रहे हैं ठीक है. बाकी ओके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और लीगल पॉलिसीज जो है वो रह गया है नहीं? और बाकी का जो मॉडल थर्ड का है वो हम इसमें देखेंगे ठीक है. ठीक है तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ ठीक है. सो थैंक यू ऑल प्रेजेंट रहने के लिए. थैंक यू मैम. थैंक यू. वो थैंक यू मैम इतना ही बता भाई. थैंक यू.